आज के टॉपिक के अंदर हम देखते हैं जिस तरह हम पैरल काफ़ी सारी यूज़ देखते हैं डिफरेंट कमांड्स के तो हम चेक करते हैं कि रेक्टेंगल कमांड क्योंकि तो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कैड की उसको हम कैड के अंदर एग्जीक्यूट भी करेंगे परफॉर्म भी करेंगे रन भी करेंगे देकर करके देखें भी सही लेकिन तो उसकी एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं कि ये हम इस्तेमाल कैसे करते हैं जब भी हम एक हाउस प्लान बनाते हैं हम एक घर बनाना चाहते हैं जिस तरह आपने डिफरेंट घर देखे भी होंगे तो उसकी हमारे पास एक जो है वो हॉरिजेंटल लेंथ होती है और एक वर्टिकल लेंथ जिसके हमारे पास सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो हमारे पास हॉरिजेंटल लेंथ भी है और वर्टिकल लेंथ भी है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमें असिस्ट करता है जब भी हम रेक्टेंगल कमांड यूज़ करेंगे तो ईजिली हम उसकी एक्स और वाई को जो है वो पुट करेंगे तो ख़ुद ब खुद वो हमें अच्छा घर के साथ हमने आगे जाके जब बात भी हम करेंगे कुछ एरिया छोड़ना भी होता है हर घर में जब आप एक बाउंड्री बनाते हैं तो बाउंड्री के साथ कुछ एरिया आपने ओपन रखना होता है जब ये प्लानिंग आप अप्रूवल लेने जाते हैं या हमने मंजूर कराना हो नक्शा तो उसके लिए भी हम रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करते हैं सिर्फ यही नहीं जब भी हम हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर जब हम जाके आगे जाके जब पूरी पूरी हमारे पास जो आ, स्कीम्स बन चुकी हैं शहरों में उसकी जब हम प्लाटिंग की बात करते हैं तो वहाँ भी जो हमारी रेक्टेंगल कमांड है इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है तो आइए हम बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम इस कमांड को कैड में इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पर्पज़ को अचीव कर सकते हैं ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग है हम क्विकली इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं रेक्टेंगल कमांड तो सेम जिस तरह हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं यहाँ पे भी हमारे पास मेथड्स हैं तीन अगेन सेम एक तो हम जाके अपना शॉर्ट जो हमारे ये ड्रा मेन्यू है वहाँ से कर सकते हैं फिर हम शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करते हुए और फिर हम इसकी शॉर्ट की ख़ुद से भी जो है वो लिखेंगे कि हम कहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं सो ड्रा के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है रेक्टेंगल की तो ये जैसी हम की ऑप्शन को पिक करेंगे हमेशा रेक्टेंगल की दो कंपोनेंट्स वर्क एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा तो जो पहली हमारे पास बॉक्स जहां पे अभी इस वक्त माइनस टू जीरो एट एट फीट और फोर इंचल है।, है, है।, है और सेकेंड जो है हमारा वो वर्टिकल लेंथ है तो फिलहाल हम स्टार्ट में बगैर कोई डायमेंशन जिस तरह हमने पहले भी लगाई है हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारी बगैर किसी डायमेंशन के जो है वो डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं आप हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं की और हमने इसको यहाँ ड्रा कर दिया दूसरा मेथड हमारे पास सिंपल है ये सामने हमारे पास जो साइड में टूल बार्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से भी हमारे पास ये रेक्टेंगल क्रिएट्स रेक्टेंगल पोलियइन क्रिएट्स रेक्टेंगल पोलियइन फ्रॉम दी स्पेसिफाइड दी रेक्टेंगल पैरामीटर्स लेंथ और विथ यहाँ पे नॉर्मली हमने लेंथ और वेथ और अभी हम बात करते हैं एंगल की भी हो सकता है कि हम एक्स और वाई देने के साथ उसे रोटेट भी करना चाह रहे हो जिस तरह नॉर्मली गाड़ियां जहाँ पार्क नजर आती हैं आपको अभी हमारे सामने ये नज़र भी आ रहा है तो गाड़ियाँ पार्क हों तो नॉर्मली 90 के एंगल के ऊपर हम पार्क जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम इस कमांड को यूज करते हैं कभी ऐसा भी होता है कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हम गाड़ी को जाके थोड़ा कर्व में पार्क कर रहे होते हैं स्पेस बचाने के लिए वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है तो ये हमारे पास हमने यहाँ से पिक की और ये अगेन सेम हम इसको ड्रा कर सकते हैं और अब हम आ, पहले तो हमने बग़ैर किसी डाय खुद ब खुद हमने जो डायमेंशन रही थी कि अब हम लिख लेते हैं डायमेंशन तो हम एक्स लिख लेते हैं सपोज़ हम जो हॉरिजेंटल है उसको 300 फीट और कॉमा कॉमा देंगे तो हॉरिजेंटल जो हमारी है वो लॉक हो जाएगी और ख़ुद ब खुद हम वर्टिकल डायमेंशन के अंदर आ जाएंगे तो ये हमने कॉमा को यहाँ पर यूज़ किया है और अब वो हमें खुद ब खुद हमारे वाई कंपोनेंट की तरफ लेके चला गया अब हम उसको वाई यानी अपनी वर्टिकल लेंथ जो है वो दे देते हैं और वो हम दे देते हैं 700 हम थोड़ा सा वर्टिकल बढ़ा देते हैं 300 और 700 फीट और अब हम करते हैं एंटर तो ये जैसे ही हमने एंटर किया तो ये हमारे पास जहां हम लगा रहे थे ये एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है जिसकी जो बेस जिसको हम ये बेस लाइन कह सकते हैं या हमारा जो कंपोनेंट है आपका हॉर्जेंटल वो थ्री फीट है और जो हमारा वर्टिकल था वो हमारा 700 फीट है तो इस तरह हम एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं अभी हमने सिंपल रेक्टेंगल ड्रा किए अब हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ में नहीं गए अब हम तीसरा मेथड देखते हैं और हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की कोशिश भी करते हैं अगर अनवर्ड हमें कभी चेंज करनी पड़ जाए तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की आर ई और सी जैसे हमने आर ई सी का वर्ड प्रेस किया तो रेक्टेंगल का यहाँ पे ऑप्शन भी मौजूद है सो इट डिपेंड्स कि आप वन बाय वन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किस पॉइंट से आप इसको पिक करते हैं तो रेक्टेंगल के ऑप्शन को क्लिक किया आपने अब अगर आप नीचे आए तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रही हैं रेक्टेंगल ड्रा करने से पहले रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट या तो हम अभी से स्टार्ट में पहला कॉर्नर पॉइंट दे दें या हमारे पास है एलिवेशन फिलिट और थिकनेस विड्थ की ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो अगर हम यहाँ विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल स्पेसिफाई लाइन विथ्थ फॉर रेक्टेंगल अगर आपने नोट किया होगा अभी तो ये हमारी जो रेक्टेंगल थी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लाइन लगा रहे थे पॉइंट टू फाइव एम एम की उससे अभी भी आपको लग रहा होगा ये इसकी विड़थ ज़्यादा थी तो इस वजह ज़्यादा क्यों थी कि अगर आप नोट करें तो ये हमने विड्थ ऑलरेडी फोर फीट की हुई है यानी हमने ऑलरेडी इसकी विड़थ बढ़ाई हुई थी अब अगर हम चाहें तो स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं इसको वापस भी लेके जा सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इस विर्थ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं सो इट डिपेंड्स तो हम इस वर्थ को यहाँ पे फिलहाल 10 करके ताकि हम फ़र्क समझ आ जाए हम 10 फीट और अब हम रेक्टेंगल एक ड्रा कर लेते हैं एक्स और वाई आप कुछ भी दे सकते हैं हमने ऑलरेडी देना सीखा भी है अगेन हम 500 फीट और कॉमा ये लॉक हो जाएगा और 200 फीट तो ये हमारे पास जो है वो एक नई विट्थ के साथ एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है जिसकी विथ जो है हमने लाइन वर्थ जो साइड लाइन आप नजर आ गई ये टेन फीट है और जिसकी जो आ, हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल लेंथ है ये हमने एक सेटिंग चेंज की है हमने अपनी रेक्टेंगल की वृथ्थ को जो है वो चेंज कर दिया है अब हम दोबारा रेक्टेंगल को यहाँ से पिक कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे थिकनेस की ऑप्शन भी है लेकिन हम लगा के अगर आप इन ऑप्शंस को पिक किए बगैर क्योंकि उसने ऑप्शन दिया है कि या तो आप पहला पॉइंट लगा ले या इन ऑप्शन में से तो ये फिलेट और चैम्फर हम आगे जाके करेंगे हम पहला पॉइंट लगा लेगा अगर अब हमें वो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि आप इसको एरिया अगर एरिया देना चाहें स्पोज ये रेक्टेंगल है इसको आप कोई भी एरिया देना चाह रहे हैं कि ये इतने एरिया की रेक्टेंगल लग जाए तो ये वो लगा देगा या हम चाहें तो डायमेंशन डायमेंशन ऑलरेडी हम दे रहे हैं डायमेंशन मीन्स आप एक्स और वाई स्पेसिफाई करें या तीसरी ऑप्शन है रोटेट की तो जो हम इसकी एक एप्लीकेशन देख रहे थे कि बाजूकात गाड़ियाँ जब हमने लगानी हो तो वहाँ यूज़ करते हैं तो वहाँ हम जरा रोटेट को ऑप्शन को यहाँ प्लिक पिक कर लेते हैं तो हमने क्या किया है अब हमने फर्स्ट क्लिक कर दिए और फर्स्ट क्लिक के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ से हम रोटेट कमांड को पिक करते हैं नाउ ही इज आस्किंग रोटेट एंगल के किस एंगल पे आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो सपोज़ हम जो है पहले नाइन्टी है अब तो अगर आपने इसी को पिक करना है तो हम एंटर कर देते हैं लेकिन सपोज़ हम इसे चेंज करते हैं और हम सेवेंटी के एंगल के ऊपर जो है वो इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये जैसे ही हमने सेवनटी के एंगल पे किया है तो उसने एंगल हमारा जो है वो फ़िक्स कर दिया है अब अगर देखें तो ये हम इसके एंगल को नहीं बदल सकते यस हम डायमेंशनस को बदल सकते हैं तो ये हमारे पास जहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा हो गई है ऑन सेवेंटी एंगल जो डायमेंशन हमने दी हुई थी अब हम फोर्टी फाइव एंगल को भी यहीं से देख लेते हैं जिसके ऊपर नॉर्मली हम लेटेस्ट मैथड कार पार्किंग जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कैड में सजेस्ट किया जाता है कि आप पैंतालीस के एंगल को प्रेफर करें क्योंकि ये वो एंगल है जिसमें आपकी कार की जब पार्क कर लेते हैं तो स्पेस कम से कम इस्तेमाल होती है तो ये यह यहाँ पे हम दोबारा पहला पॉइंट देने के बाद रोटेशन की तरफ आ जाते हैं अब जैसे हम रोटेशन की तरफ आए हैं तो ऑलरेडी उसने जो लास्ट पे हमने स्पेसिफाई की सत्तर वो मौजूद है अब हम यहाँ पे फोर्टी फाइव के ऑप्शन को भी पिक कर लेते हैं तो जैसे हमने फोर्टी फाइव पर पिक किया तो ये हमारे पास फोर्टी फाइव एंगल हमारा फिक्स हो चुका है और यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं इसी के साथ पैरल पहली क्लिक के बाद हम जो है वो एरिया के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं ये हम जैसे ही एरिया कमांड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे वो एरिया पूछ रहा है इन स्क्र इंचज़ यहाँ पर एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने सिंबल यूज़ नहीं करना यहाँ पे फीट इंचज़ का सिंबल नहीं सिंपल स्क्र इंचज़ में हम इसको जो है वो लिख लेते हैं दस हज़ार सपोज़ हम जो है वो स्क्र इंच में इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं सो इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी ये तो हमने टोटल एरिया बताया आप लेंथ और विड्थ के अंदर आप में किस में इसको बेस बनाना चाह रहे हैं तो हम सपोज़ लेंथ को अगर बनाना चाह रहे हैं तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो उसने उन डायमेंशन के अंदर जो है वो एरिया अभी एरिया फ़िक्स अगर कर दिया है तो हम अनवर्ड जाकर लेक्चर्स में एरिया कमांड्स को ऑपरेट भी करेंगे और हम एरिया कैलकुलेट भी करेंगे तो इस तरह हम एक रेक्टेंगल के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं मेनली इसकी एप्लीकेशन हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स में देखेंगे भी सही एग्जीक्यूट भी फॉर द टाइम बीइंग आपको रेक्टेंगल लगानी आती हो और मेनली अगर किसी एंगल के ऊपर या एक्स और वाई की डायमेंशन अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि 500 और 300 सौ कैसे लगानी है या हम हाउस प्लान्स की जब बात करते हैं जिस तरह ये हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के हमारे घर हैं 25 फाइव बाई फोर्टी फाइव पाँच मरला हम जब बात करते हैं 35 फीट बाय पैंसठ फीट ये हमारे पास जब हम 10 मरला की बात करते हैं 50 बाय नाइन्टी की जब बात करते हैं तो एक कनाल का घर आ जाता है सेवनटी फाइव बाई तो डिफरेंट जब हम घर बनाना स्टार्ट करेंगे आगे जाके हाउस प्लान की बात करते हैं स्कीम में तो वहाँ भी रेक्टेंगल कमांड काम है जरूरत पड़ेगी तीन बेसिक मेथड ड्रा से हम लगा सकते हैं यहां से साइड से पिक कर सकते हैं या हम आर ई सी रेक्टेंगल से भी इसको ड्रा कर सकते हैं